प्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रहा है? तो शुरू करते हैं आज फिर से हिंदी की एक नई क्लास। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी हिंदी पुस्तक अक्षरों के आगे। हिंदी कोर्स बुक वन खोलिए, पेज नंबर 26। तो सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह डेट डालेंगे। तो कितनी डेट है आज बच्चों? 9th जुलाई। कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई। एंड 2020 ईयर है। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये कौन सा है? स्वर अ। जब कहीं अ होता है तो उसकी मात्रा हमें दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर कोई मात्रा है नहीं, तो हमें मात्रा दिखाई नहीं देती है। जैसे र अ थ अ, यहाँ पे अ की मात्रा है पर हमें दिखाई नहीं देगी। र थ रथ। पढ़ो और समझो। क ख ग घ अंग। च छ ज झ इया। ट ठ ड ढ ण। त थ द ध न। प फ ब भ म। य र ल व श। श स ह छ त्र ज्ञ। श्र ड ढ। ये आपने पहले भी पढ़े थे ना, याद है ना? आप लोग पुनः रोज दोहराते हैं। अब हम पढ़ते हैं अ की मात्रा वाले शब्द। ज ल जल, फ ल फल, न ल नल, ह व न हवन, क म ल कमल, ह ल हल, प ल पल, ट व टब, व न वन, म न मन, र स रस, च म न चमन, म न न मनन, न म न नमन, प व न पवन, अ च क न अचकन। अब हम लोग थोड़ा सा लिखने का अभ्यास करेंगे। इस पेज पर पुनः डेट डालेंगे, ठीक है? डेट कितनी थी आपको याद है ना? 9th जुलाई 2020। तो ये क्या है? स्वर अ। अ से अजगर। अ से अजगर। क्या हमें यहाँ पे मात्रा कोई लगानी है? हमारी अ की मात्रा दिखाई नहीं देती है, तो हम यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देंगे। यहाँ पर आपको अस्वर लिखना है। अस्वर कैसे लिखते हैं? ऐसे ऐसे ऐसे, बन गया अस्वर। अब ये कौन है? ये आपकी स्पेशल फ्रेंड्स पेनी। पेनी द पेंसिल। पेनी द पेंसिल क्या कह रही है? अक्षर चक्र की सहायता से कोई दो शब्द बनाकर दो दो बार लिखें। अक्षर चक्र क्या है? ये आपका अक्षर चक्र है। इसकी सहायता से आपको यहाँ पर दो दो शब्द लिखने हैं, ठीक है? जैसे क ल कल। क ल कल। तो हम अगला शब्द क्या बनाएंगे? प ल पल। यहाँ पर लिखिए प ल पल।
ये क्या बनेगा? छ ल छल, छ छ ल छल। यहाँ पर लिखेंगे छ ल छल। इसको पुनः एक बार यहाँ पे फिर से लिखेंगे प ल पल, छ ल छल। अब इस चक्र में भी देखते हैं इस अक्षर चक्र से कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे व न वन, अब हम नया शब्द कौन सा बनाएंगे? खुद से देखिए ये क्या है, थ न थन। बहुत अच्छे, तो हम यहाँ पर नया शब्द लिखेंगे थ न थन। और क्या बन रहा है? म न मन, मन म न मन। इनको फिर से यहाँ पे लिखेंगे थ न थन म न मन। तो आपको सबको समझ में आया कैसे अक्षर चक्र की सहायता से हमें दो शब्द बनाकर दो दो बार लिखने हैं? ठीक है, अब ये देखिए ये कौन है? ये हमारा स्पेशल फ्रेंड स्क्रिबली। स्क्रिबली क्या कह रही है? बिना मात्रा वाले शब्दों के चित्र पहचान कर रंग भरें। तो आप जानते हैं ये किस चीज का चित्र है? अनार। अनार एक फल होता है, पर अनार में न के बाद आ की मात्रा आती है, तो हम इसको रंग नहीं भरेंगे। ठीक है, ये क्या है? ट ब टब, ट ब टब। अपनी सुविधा के लिए आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं ट ब टब। ये क्या है? न ल नल। ये क्या था? अनार। अ न र। तो इसमें तो यहाँ पर मात्रा आ गई, तो हम इसको रंग नहीं भरेंगे। ठीक है, आपको ये लिखना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी सुविधा के लिए लिख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको रंग भरेंगे। ये क्या है? टब टब। टब किसके काम आता है? पानी भरने के काम आता है। जब हम नहाने जाते हैं तो हम टब में पानी भर के रखते हैं ना। कई बार गेहूं धोने के लिए और बाकी कामों के लिए भी टब में भरने का हम लोग प्रयोग करते हैं, सबको पता है ना। और ये क्या है? न ल नल। नल किस लिए प्रयोग में आता है? नल से पानी आता है ना। नगर पालिका पक्का पानी 5 बजे आता है ना सुबह, फिर सुबह भर के रखना पड़ता है, और सबके घर में ऐसे नल है ना। नल से पानी आता है जो नहाने के, धोने के, बर्तन धोने के, कपड़े धोने के और पीने के प्रयोग में लेते हैं ना हम लोग, हमारे प्रयोग में आता है ना। इतने सारे काम पानी से होते हैं। तो सबको समझ में आया स्वर अ की मात्रा वाले शब्द? तो सारे बच्चे कर लेंगे, आप घर में ऐसे ही साफ साफ काम करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।